स्नैपसीड में जाना है, फोटो लेनी है, फोटो ले लेता हूँ। फिर जाना है टूल्स में, सिलेक्टिव में जहाँ जहाँ हमें क्लियर करना फेस वहाँ सेलेक्ट ले लेता हूँ। थोड़ा कम कर लेते हैं, फिर स्लाइड देते हैं, इसको ज़्यादा कर देते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं जब ब्लैक पार्ट है, फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से इसको ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा हाफ पे कर देते हैं, हेयर को थोड़ा ब्राइट कर देते हैं, तो नीचे में जा गया स्पेस को बढ़ा देना है। फिर से टूल में जाना, स्नैपी में जाना, जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट करना, शर्ट पे सिलेक्ट करना है, नीचे से जाके इसको बढ़ा देना है। टूल्स में जाना, फिर से फिर लेंस ब्लर में जाना, फेस स्मूथ करना था कि फोटो में वीडियो ज़्यादा अच्छा है। ऊपर में जो बैक का सा निशान है इस पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे करना है, लेंस ब्लर पे ब्रश वाले निशान पे क्लिक करना है, 100 का ब्लर है दोस्तों, इसको 50 कर लेना है, 50 में ज़्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा स्मूथ चाहिए तो 50 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर करना तो बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, इससे ऐसे बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना उसको राइट, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी फोटो पहले ऐसी थी अब ऐसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। चलो सेव कर लेते हैं फोटो को, एक्सपोर्ट में जाना, सेव में नहीं करना, बीच वाले में करना ताकि फोटो की क्लियरिटी अच्छी रहे।